हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुशल और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं एक ऐसी गेम जो ना सिर्फ आपको स्टॉक मार्केट की दुनिया के रूबरू ले जाएगी, बल्कि स्टॉक मार्केट में होने वाले उतार चढ़ाव का एक मजेदार तरीके से अनुभव भी कराएगी। तो आइए सीखते हैं इस नई गेम को जिसका नाम है IPO द स्टॉक मार्केट गेम। ये एक 2 to 5 प्लेयर गेम है और इसे खेलने की रिकमेंडेड एज है 10 ईयर्स एंड अबव। इस गेम में आपको मिलता है एक गेम बोर्ड, 10 ब्लू टोकन्स, 15 ब्लू कॉइन्स, गेम मनी, 100 न्यूज रूम कार्ड्स और 100 स्टॉक कार्ड्स। गेम में 10 कंपनीज है और हर कंपनी के टोटल 10 स्टॉक कार्ड्स है। इस गेम में सभी प्लेयर को एक स्टॉक ट्रेडर की भूमिका निभानी है। उन्हें अलग अलग कंपनीज के स्टॉक्स इस तरह से खरीदने और बेचने हैं जिससे उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। गेम के एंड में जिस प्लेयर ने सबसे ज्यादा पैसे बनाए होंगे वो ये गेम जीत जाएगा। सबसे पहले गेम बोर्ड को सभी प्लेयर्स के बीच में रख दीजिए। उसके बाद इन स्पॉट्स पर एक एक ब्लू टोकन्स रखिए। ब्लू टोकन्स रखने के बाद गेम बोर्ड कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इस ऑर्डर में हर कंपनी के स्टॉक कार्ड्स को गेम बोर्ड के पास रखिए। उसके बाद सभी प्लेयर को 3 ब्लू कॉइन्स और इस चार्ट के हिसाब से गेम मनी दे दीजिए। एग्जांपल के तौर पर 3 प्लेयर गेम में सभी प्लेयर को 3500 रुपीज दीजिए। बचे हुए पैसे स्टॉक कार्ड्स के नीचे रखिए। इस एरिया को हम ब्रोकर एरिया कहेंगे। ऐसा समझिए कि गेम में एक ब्रोकर है जिसके ये सभी स्टॉक कार्ड्स और पैसे है। आखिर में सभी न्यूज रूम कार्ड्स को अच्छे से शफल कीजिए और गेम बोर्ड के पास रख दीजिए। इस गेम में प्लेयर्स को एक आईपीओ राउंड और 10 ट्रेडिंग राउंड्स खेलने हैं। गेम की शुरुआत होती है आईपीओ राउंड से, जिसमें प्लेयर्स को अपना पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो बनाने के लिए प्लेयर ब्रोकर के पास से स्टॉक्स खरीदेंगे। ब्रोकर इस ऑर्डर में एक एक करके हर कंपनी के स्टॉक्स बेचने निकालेगा। एग्जाम्पल के तौर पर ब्रोकर सबसे पहले HDFC कंपनी के 10 स्टॉक्स बेचने निकालेगा। इसे खरीदने का सबसे पहला मौका प्लेयर 1 को मिलेगा, उसके बाद प्लेयर 2 और फिर प्लेयर 3 को। हर स्टॉक 100 रुपए का है, तो प्लेयर जितने चाहे उतने स्टॉक्स खरीद सकता है। अगर प्लेयर उस कंपनी के स्टॉक्स खरीदना नहीं चाहता तो वो अपना टर्न पास भी कर सकता है। इस एग्जांपल में प्लेयर 1 ने 5 स्टॉक्स खरीदने का फैसला किया है। प्लेयर 1 5 स्टॉक लेकर अपने प्लेइंग एरिया में रख देगा और उसके पैसे ब्रोकर को भर देगा। प्लेयर 2 को इस कंपनी के स्टॉक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं, तो उसने अपना टर्न पास कर दिया है। प्लेयर 3 ने 2 स्टॉक्स लेने का फैसला किया है। प्लेयर 3 2 स्टॉक लेकर अपने प्लेइंग एरिया में रख देगा और उसके पैसे ब्रोकर को भर देगा। सभी प्लेयर का टर्न होने के बाद अगर उस कंपनी के कुछ स्टॉक्स बचे हैं तो उन्हें फिर से ब्रोकर एरिया में रख दीजिए। अब ब्रोकर रिलायंस कंपनी के स्टॉक्स बेचने निकालेगा। इस बार इसे खरीदने का सबसे पहला मौका प्लेयर 2 को मिलेगा, उसके बाद प्लेयर 3 और आखिर में प्लेयर 1 को। प्लेयर्स अगर थोड़ी प्लानिंग से खेले तो किसी और प्लेयर को स्टॉक खरीदने से रोक सकते हैं। इस एग्जांपल में प्लेयर 2 ने 7 स्टॉक और प्लेयर 3 ने 3 स्टॉक्स लेने का फैसला किया है, जिससे प्लेयर 1 के पास स्टॉक खरीदने का कोई मौका ही नहीं। पहले की तरह प्लेयर्स इन स्टॉक्स को लेकर अपने प्लेइंग एरिया में रखेंगे और उसके बाद उसके पैसे ब्रोकर को भर देंगे। रिलायंस कंपनी के बाद ब्रोकर मारुति कंपनी के स्टॉक्स बेचने निकालेगा और इस बार इसे खरीदने का सबसे पहला मौका प्लेयर 3 को मिलेगा, उसके बाद प्लेयर 1 को और आखिर में प्लेयर 2 को। ऐसे ही एक एक करके ब्रोकर हर कंपनी के शेयर्स बेचने निकालेगा और प्लेयर्स अपने बजट प्लानिंग और पसंद के हिसाब से शेयर्स खरीदते जाएंगे और अपना पोर्टफोलियो बनाते जाएंगे। जैसे ही DLF कंपनी के स्टॉक्स खरीदने का राउंड खत्म हो जाता है तो IPO राउंड भी वही एंड हो जाएगा। IPO राउंड के बाद प्लेयर्स ट्रेडिंग राउंड की शुरुआत करेंगे। अब सभी प्लेयर्स को एक के बाद एक लगातार 10 ट्रेडिंग राउंड्स खेलने हैं। हर ट्रेडिंग राउंड में 3 स्टेप्स होंगे जो प्लेयर को फॉलो करने हैं। स्टेप 1,
न्यूज रूम कार्ड की डेक में से कार्ड उठाना है। स्टेप टू, दूसरे प्लेयर या ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग करनी है। स्टेप थ्री, गेम बोर्ड पर कंपनी के स्टॉक प्राइस को एडजस्ट करना है। आइए अब इन तीनों स्टेप्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इस स्टेप में सभी प्लेयर्स को टर्न बाय टर्न न्यूज रूम कार्ड की डेक में से देखे बिना एक कार्ड लेना है और टेबल पर रखना है। प्लेयर्स पहला कार्ड छोड़कर डेक में से कोई भी कार्ड ले सकते हैं। कार्ड लेते वक्त ध्यान रखिए कि आप कार्ड को गलती से फ्लिप ना कर दे। कार्ड्स लेने के बाद प्लेयर्स स्टेप टू की शुरुआत करेंगे। इस स्टेप में सभी प्लेयर्स आपस में ट्रेडिंग करेंगे। हर न्यूज रूम कार्ड पर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, जिसे पढ़कर सभी प्लेयर्स को अंदाजा लगाना है कि इस राउंड के एंड में कौन से कंपनी के स्टॉक प्राइस बढ़ेंगे और कौन से कंपनी के स्टॉक प्राइस घटेंगे। उस अंदाजे के हिसाब से उन्हें दूसरे प्लेयर के साथ ट्रेडिंग करनी है, लेकिन इस तरह से जिससे उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। ट्रेडिंग का सिंपल मतलब यह है कि प्लेयर अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स दूसरे प्लेयर को बेच सकता है और दूसरे प्लेयर के पोर्टफोलियो के स्टॉक्स खरीद सकता है। स्टॉक्स बेचने और खरीदने का प्राइस प्लेयर आपस में डिसाइड कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में प्लेयर वन को प्लेयर टू के पोर्टफोलियो में से रिलायंस कंपनी के दो स्टॉक्स चाहिए। प्लेयर टू या तो स्टॉक बेचने से मना कर सकता है या तो स्टॉक बेचने का प्राइस प्लेयर वन को बता सकता है। प्लेयर टू स्टॉक बेचने के लिए तैयार है और उसने प्लेयर वन को 120 रुपीस पर स्टॉक का ऑफर प्राइस दिया है। प्लेयर वन बार्गेन करते हुए 100 रुपीस पर स्टॉक का काउंटर ऑफर दिया है। फाइनली काफी निगोशिएशन के बाद दोनों प्लेयर्स 110 रुपीस पर स्टॉक के प्राइस पर राजी हुए हैं। प्लेयर वन प्लेयर टू के दो रिलायंस स्टॉक को लेकर अपने प्लेइंग एरिया में रख देगा और उसके बाद उसके पैसे प्लेयर टू को भर देगा। इसी तरह प्लेयर्स जितनी चाहे उतनी दूसरे प्लेयर के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर प्लेयर्स चाहे तो ब्रोकर के साथ भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग करने के लिए उन्हें अपना एक ब्लू कॉइन ब्रोकर को देना होगा। प्लेयर ब्रोकर के साथ एक टाइम पर किसी भी एक ही कंपनी के स्टॉक में ट्रेडिंग कर सकता है। अगर प्लेयर को उसी टर्न पर ब्रोकर के साथ किसी और कंपनी के स्टॉक में ट्रेडिंग करनी है तो उसे अपना दूसरा ब्लू कॉइन ब्रोकर को देना होगा। ब्रोकर के साथ सभी ट्रेडिंग गेम बोर्ड पर कंपनी के करंट स्टॉक प्राइस के हिसाब से ही होगी। प्लेयर थ्री को ब्रोकर के पास से यस बैंक कंपनी के दो स्टॉक्स खरीदने हैं तो सबसे पहले प्लेयर थ्री ब्रोकर को अपना एक ब्लू कॉइन देगा और ब्रोकर एरिया से यस बैंक कंपनी के दो स्टॉक्स उठाकर अपने प्लेइंग एरिया में रख देगा। उसके बाद गेम बोर्ड पर यस बैंक कंपनी का जो करंट स्टॉक प्राइस है उसके हिसाब से ब्रोकर को पैसे भर देगा। इस गेम में सभी प्लेयर्स को सिर्फ 3 ही ब्लू कॉइन्स मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि प्लेयर्स ब्रोकर के साथ पूरी गेम में सिर्फ 3 ही बार ट्रेड कर सकते हैं। जैसे ही सभी प्लेयर्स की आपस में या ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग खत्म हो जाती है तो उसके बाद सभी प्लेयर्स स्टेप 3 की शुरुआत करेंगे। इस स्टेप में सभी प्लेयर्स को अपना न्यूज रूम कार्ड फ्लिप करना है और कार्ड के पीछे लिखे हुए कंपनी और उसके स्टॉक प्राइस को गेम बोर्ड पर एडजस्ट करना है। एग्जांपल के तौर पर इस पहले कार्ड के हिसाब से इंफोसिस कंपनी के स्टॉक प्राइस को 30 रुपए से कम कीजिए और सन फार्मा कंपनी के प्राइस को 20 रुपए से। इस दूसरे कार्ड के हिसाब से HDFC बैंक रिलायंस और यस बैंक कंपनी के स्टॉक प्राइस को 10 रुपए से बढ़ा दीजिए और टाटा कंपनी के स्टॉक प्राइस को 20 रुपए से। और आखिर में इस कार्ड के हिसाब से सभी कंपनी के स्टॉक प्राइस को 10 रुपए से घटा दीजिए। प्राइस एडजस्ट करने के बाद ये ट्रेडिंग राउंड यही खत्म हो जाएगा। प्लेयर्स को इन कार्ड्स को डिस्कार्ड करना है और दूसरे ट्रेडिंग राउंड की शुरुआत करनी है। पहले ट्रेडिंग राउंड की तरह ही उन्हें इस राउंड को खेलना है और वही 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। टोटल 10 ट्रेडिंग राउंड खेलने के बाद ये गेम एंड हो जाएगी और उसके बाद सभी प्लेयर्स काउंट करेंगे कि उन्होंने कितने पैसे बनाए हैं। अब आइए देखते हैं इस प्लेयर ने कितने पैसे बनाए हैं। इस प्लेयर के पास DLF कंपनी के 4 स्टॉक्स है। गेम बोर्ड पर DLF कंपनी की करंट वैल्यू 130 रुपीज है तो इस प्लेयर को इन 4 स्टॉक्स के टोटल 520 रुपीज मिलेंगे।
वैसे ही रिलायंस कंपनी की करंट वैल्यू 160 रुपीज है, तो इस प्लेयर को इन तीन स्टॉक्स के 480 रुपीज मिलेंगे। ऐसे ही प्लेयर को एक एक करके अपने सभी स्टॉक की वैल्यू गिननी है और उन सभी का टोटल करना है। उस टोटल में उन्हें अपने बचे हुए पैसों का टोटल भी ऐड करना है, जिससे उन्हें अपनी फाइनल वैल्यू मिलेगी। और इस वैल्यू के हिसाब से जिस प्लेयर ने सबसे ज्यादा पैसे बनाए होंगे वो ये गेम जीत जाएगा। इस गेम की एक और खासियत है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस गेम का एक एंड्रॉयड ऐप भी है जिसे आप गेम खेलते वक्त यूज कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने के लिए अपने एंड्रॉयड फोन के प्ले स्टोर पर जाइए। उसके बाद सर्च बार में कार्ड्स ऐप फॉर आईपीओ बोर्ड गेम करके टाइप कीजिए और सर्च बटन पर क्लिक कीजिए। फिर इस ऐप के पेज पर जाकर इंस्टॉल बटन पर क्लिक कीजिए और बस आप ऐप यूज करने के लिए तैयार है। इस ऐप में आपको कई सारे न्यूज रूम कार्ड्स मिलेंगे जो आप गेम खेलने के टाइम यूज कर सकते हैं। इस ऐप के और भी कई फीचर है लेकिन उसे एक्सप्लोर करने का ऑप्शन मैं आप पर छोड़ता हूँ। और ये थे आईपीओ गेम खेलने के सारे रूल्स। अगर आपको इस गेम के रूल्स को लेकर कोई प्रश्न है तो उसे आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।